सबसे पहले बच्चों, आज का हमारा जो ये विज्ञान का विषय, इसकी एक छोटी सी कहानी जो है यहाँ चित्र में दिखाई गई है तो इससे संबंधित है। आप देख सकते हैं कि इस चित्र में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। देखो मैम, हाँ ये एक शेर नज़र आ रहा है और शायद एक ये डब्बा या कुआँ सा है ये नज़र आ रहा है। कुएँ के ऊपर ये घिरनी भी लगी हुई है पानी निकालने के लिए और साथ में ये एक और कोई जानवर छोटा सा नज़र आ रहा है, शायद खरगोश है। इससे आपको एक कहानी आपको याद आती है बचपन की, या आपने अपने भाई से ऐसे या स्कूल में वो सुनी हो। तो ये कहानी इस प्रकार है, शॉर्ट में इसको हम करते हैं कि शेर जो है जो जंगल का राजा था वो सभी जानवरों को बार बार खा जाता था। रोज़ का एक या दो जानवर जितना उसको अच्छा लगता था खा जाता था। तो सभी जानवरों ने मीटिंग की, तो मीटिंग करने के बाद कहा कि महाराज आप जो हैं हमारे राजा हैं तो आपकी भूख मिटाना हमारा दायित्व है, लेकिन आप हमें मत खाओ, इस प्रकार मत खाओ, हम आपके लिए कोई इंतजाम करते हैं। तो सभी जानवरों ने फैसला किया कि रोज़ का एक जानवर जो है वो आपको वो अपने आप आपके पास आ जाया करेगा। तो शेर मान गया, वो बूढ़ा हो चला था, ज़्यादा वो भाग दौड़ नहीं कर सकता था। तो पहले दिन उसने हिरण को भेज दिया तो हिरण चला गया, शेर ने उसको खा लिया। दूसरे दिन उन्होंने किसी और जानवर को भेज दिया, उसको भी शेर ने खा लिया। तो सभी जानवर संतुष्ट थे कि एक जानवर को ही वो खाता है बाकियों को नहीं। लेकिन एक दिन इस चित्र में इन्होंने ये खरगोश दिखाया हुआ है, लोमड़ी भी है एक दूसरी कहानी में, तो वो जो खरगोश या लोमड़ी जो है उसकी बारी आ गई। तो वो थोड़ी सी समझदार थी, उसने सोचा कि अगर मैं चली गई तो मुझे खा जाएगा शेर, तो वो मरना नहीं चाहती थी। वो क्या हुआ, वो जब जा रही थी रास्ते में उसको एक कुआँ नजर आया, उसने कुएँ में ध्यान से देखा तो उस लोमड़ी या खरगोश ने तो उसको कुछ नजर आया, तो एक विचार मन में आया तो वहीं पर बैठी रही कुएँ के। तो शाम को वो अपने धीरे धीरे करके वो शेर के पास भी गई अपने ड्यूटी निभाने के लिए। तो शेर बड़े गुस्से में बोला, कहता तुमको पता नहीं तुम्हारा राजा जो है वो भूखा है, सुबह से तुम्हारी इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं आई। तो लोमड़ी बोलती है, महाराज रास्ते में एक और शेर जो है वो मुझे मिल गया, वो कहता मैं जंगल का राजा हूँ। तो वो शेर गुस्से में कहता, हैं मेरे होते और कौन सा राजा हो सकता है। तो महाराज वो कहता मैं राजा हूँ, मैंने तुमने खाना है। तो शेर गुस्से में कहता चलो मैं देखता हूँ कौन है। तो वो खरगोश जो है या लोमड़ी जो है उस शेर को साथ लेकर वो कुएँ के पास ले गई। तो जैसे ही कुएँ के पास आई उसने कहा देखो उसके अंदर, कुएँ के अंदर है वो दूसरा शेर। तो उस शेर ने जो सच्चा राजा था असली राजा था उसने कुएँ में देखा तो उसमें वो शेर वाकई था। वो उसके ऊपर दहाड़ा था, कौन है तू, तो वो भी बोलता कौन है तू, तो बोलता मैं जंगल का राजा हूँ। तो कुएँ के अंदर जो उसको नज़र आ रहा था वो दूसरा शेर, वो भी बोला था मैं जंगल का राजा हूँ। तो शेर को बड़ा गुस्सा आ रहा था, ठहर जा मैं तुम्हें अभी खा जाऊँगा। तो उस शेर ने उसको खाने के लिए जो कुएँ के अंदर शेर नज़र आ रहा था उसमें छलांग लगा दी। तो छलांग लगा दी तो बीच में डूब गया वो। तो ये लोमड़ी ने थोड़ी सी चलाकी उसने की कि असल में कोई कुएँ में कोई दूसरा शेर थोड़ी था, उसके अंदर क्या था शाबाज, उसके अंदर पानी में शेर को अपनी परछाई नज़र आ रही थी। तो शेर को इस बात का ध्यान नहीं था, उसने साइंस नहीं पढ़ी थी, तो उसने देखा भी ये तो कोई दूसरा शेर है, तो उस शेर को खाने के लिए उसने अपनी जान भी गंवा ली। तो ये कहानी पानी की परछाई की है, उस पानी की परछाई को इन्होंने यूज़ किया है यहाँ पर आज के टॉपिक में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन जो है वो क्या है उसके बारे में। तो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों को जैसे यहाँ पर ये कुछ है, ये देखें ये प्लेट है। तो आप प्लेट को इस तरफ देखें तो क्या प्लेट में आपको कोई चीज़ नज़र आती है, अपना मुंह नज़र आता है, ध्यान से आप देखें तो प्लेट में आपको अपना मुंह जो है वो नज़र आता है, और इधर से दूसरी तरफ से देखें तो भी आपको अपना चेहरा जो है नज़र आता है। इसी प्रकार और किस चीज़ में आपको अपना मुंह नज़र आता है, ये एक कटोरी है, तो कटोरी को देखें
आप सच में, तो आपको उसमें अपना चेहरा या मुंह नहीं रहेगा, ऐसे कॉली में भी आपको मिल जाएगा। तो असल में और भी कई आपके घरों में वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे आपके पास घर में ये शीशा होता है, ये शीशा जिसको हम दर्पण बोलते हैं कंघी लगाने के लिए, तो कंघी में आप इसको ध्यान से देखें तो आपको अपना चेहरा नज़र आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं इधर से, और दूसरी तरफ से देखें तो इसमें आपको अपना चेहरा नज़र आ रहा है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं। इसी प्रकार कोई भी और चीज़ है, जैसे ये कागज़ का टुकड़ा है, बड़ा चमक रहा है, तो इसको भी आप ध्यान से देखें तो थोड़ा थोड़ा आपको मिल जाता है। तो वो जो शेर ने देखा था, वो किसे देखा था, पानी में। तो अब पानी का कटोरा आप ले, पानी कटोरे बाल्टी में आप ध्यान से देखें तो क्या आपको अपना चेहरा नहीं रहता है। कई बार फर्श में, और फर्श अगर चमकीला हो तो फर्श में भी आपको अपना चेहरा नहीं रहता है। ऐसी घर में और बहुत सी चीज़ें उसके, ये सीढ़ी है, तो सीढ़ी को ध्यान से देखें तो इसमें आपको रंग भी नज़र आ रहे हैं, और बीच में आपने अगर अपने हाथ में पकड़ी है, मैंने पकड़ी है, तो मुझे अपना चेहरा नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या सिद्ध करती हैं कि प्रकाश जो है वो मुड़ता है, वो परावर्तन करता है। प्रकाश जो है किसी चमकदार वस्तु, कोई भी चमकदार वस्तु है, ये सीढ़ी है, ये शीशा है, दर्पण है, कौली है, इवन करछी ले लें, करछी भी आप नई चमकती धोई हुई करछी है, इसको आप देखें ध्यान से तो इसमें आपको अपना चेहरा नज़र आ सकता है। उल्टी करके देखें तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बता नज़र है, नहीं तो आप अपनी आंखों में देख सकते हैं, अपनी आंखों में आप देखें तो आपको चेहरा जो है वो नज़र आ सकता है। तो जिन चमकदार चीज़ों में आपको अपना चेहरा या प्रतिबिंब नज़र आता है या अपना इमेज नज़र आता है, तो उसे हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि चमकदार वस्तु से प्रकाश जो है वो टकराता है, और टकराने के बाद वो मुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक ये बैटरी दी है, तो ये प्रकाश की बैटरी जो है, इसे मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर ऐसे लगाऊं, ये ब्लैक बोर्ड, ये सन है, तो सन की लाइट आपको यहाँ दिखाई गई है, तो ये फूल के ऊपर पड़ रही है, ये सन है, तो सन की लाइट जो है फूल के ऊपर पड़ रही है, फूल से टकराकर वो परे मुड़ रही है और हमारी आंखों में पड़ रही है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सन की लाइट जो है वो परावर्तन होकर, उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पहुंचती है, तो हमें नज़र आता है। तो इसी प्रयोग को और भी यहाँ एक चित्र में दिखाने का प्रयास किया हुआ है कि ये दर्पण जो है, ये मिरर जो है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर अगर रख लें तो इसके ऊपर लाइट अगर डालें, आप एक हाथ से पकड़ना जरा मुश्किल है, तो यहाँ पर अगर लाइट डालेंगे तो आप देखेंगे ये कहाँ जाती है। यहाँ पर मैं लाइट डाल रहा हूँ तो लाइट जो है वो ऊपर जा रही है, आपको मैं नीचे यहाँ पर दिखाता हूँ, ये दर्पण है, दर्पण के ऊपर मैं लाइट डाल रहा हूँ तो लाइट कहाँ जा रही है, वो ऊपर, वो छत पर, ये देखो, ये मैं डाल में नीचे रहा हूँ, लाइट दर्पण के ऊपर, मिरर के ऊपर, और वो टकरा कर जा रही है। अब इसको डिफरेंट एंगल पर अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ लाइट, कहाँ जा रही है, वो छत के ऊपर। तो ऐसे आप इसको देख सकते हैं, ये बंद कमरे में ये दर्पण जो है यहाँ पर रखा, मिरर रखा हुआ है, तो मिरर के ऊपर मैं लाइट डाल रहा हूँ, तो मिरर के ऊपर लाइट डालने से असल में वो कहाँ जा रही है, ऊपर, ये वो छत के ऊपर जा रही है। तो दर्पण से चमकदार एक हमारा सरफेस है, तो उस चमकदार सरफेस से टकरा कर लाइट जो है वो ऊपर जा रही है। अगर मैं इधर से डालूँगा तो लाइट जो है वो छत के ऊपर, तो इसे कहते हैं परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन ए शाइनिंग सरफेस टू द सेम मीडियम। तो उसी माध्यम में, जैसे हमने ब्लैकबोर्ड के ऊपर कोई चीज़ फेंकते हैं, दीवार के ऊपर कोई बॉल फेंकते हैं, तो वो बॉल जो है हमारी तरफ वापस आ जाता है, ऐसे होता है ना, बॉल फेंकते हैं, तो उसी माध्यम में वापस आना किसी लाइट का, किसी चमकदार तार से टकराकर
तो उसको कहते हैं हम परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज की ये गतिविधि हम खुद कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, पानी में भी देख सकते हैं और आप बुक में भी करके देखें क्या बुक में रिफ्लेक्शन होती है। इसमें बुक में आप दीवार में करके देखते हैं, दीवार में रिफ्लेक्शन है तो जो चीज़ जितनी चमकदार होगी उसी में रिफ्लेक्शन होगी। तो आशा है आप इस एक्टिविटी को समझेंगे और रिफ्लेक्शन के टॉपिक को आप खुद करके देखेंगे एक्टिविटी देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन के जो नियम हैं वो क्या हैं, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बारे में दूसरी एक्टिविटीज़ करेंगे। तो आज के लिए इसी चमकदार माध्यम से प्रकाश का टकरा कर उसी माध्यम में वापस आ जाना, द बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन ए शाइनिंग सरफेस टू बाउंसिंग बैक टू द सेम मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन।